नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय के पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारी इस धरती पर हजारों लाखों तरह के जीव जंतु रहते हैं। कुछ ज़मीन पर चलने वाले, कुछ पानी में तैरने वाले और कुछ हवा में उड़ने वाले या फिर ज़मीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं। जिस तरह हमारी आदतें, रहन सहन के ढंग अलग अलग होते हैं, वैसे ही जानवरों की भी आदतें अलग अलग तरह की होती है। ईश्वर ने अलग अलग तरह से इनको बनाया है। जैसे शाकाहारी जानवर किसे कहते हैं? जो जीव जंतु पौधे व घास पत्तियां व अनाज के दाने खाते हैं, वे शाकाहारी जीव जंतु में आते हैं। जैसे गाय, बकरी, हाथी, जिराफ, हिरण, घोड़ा, ये सब शाकाहारी जीव जंतु हैं जो घास फूस और चारा ये खाती हैं, मांस नहीं खाती, ये शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। दूसरा है मांसाहारी जीव जंतुओं में बिल्ली, बाघ, शेर, ये सब जीव, कुत्ता, ये सब मांसाहारी जीव जंतु हैं जो मांस खाते हैं और दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मांसाहारी जीव जंतुओं में लिया गया है। फिर आगे बताया गया है जलचर प्राणी वे प्राणी हैं जो जल में रहते हैं। जल में रहने वाले हैं मगरमच्छ, मछली और भी इसमें सांप, ये कई जीव जंतु दिखाए हैं। नभचर जीव जंतु वे हैं, नभ का मतलब होता है आकाश। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते हैं वे नभचर जीव जंतुओं में आते हैं। चित्र में भी दिखाया जा रहा है कौवा, चिड़ियाँ, कबूतर और शुतुरमुर्ग, तोता, ये सब पक्षी है। उभयचर जीव जंतु वे जानवर हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी आराम से रह सकते हैं। फिर बताया सर्वाहारी जीव जंतु, जो मांस और फल फूल पत्तियां दोनों खाते हैं, वह सर्वाहारी जीव जंतु होते हैं। जैसे कुत्ता पालतू पशु माना जाता है, जो पालतू जानवर है जिसे हम घर पर पालते हैं और ये बहुअवस्था में बहुत वफादार है और ये मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। फिर है मोर को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में लिया गया है, क्योंकि ये अनाज के दाने भी खाता है और सांप को भी खाता है। फिर बिल्ली दूध भी पीती है और चूहे भी खाती है, इसलिए ये सर्वाहारी जीव जंतुओं में आती है। इसको रोटी भी आराम से खाने में अच्छी लगती है और दूध भी पीने में, वह मांस भी बहुत चटका लगा लगा के खाती है। और ये भालू वह जीव है जो मनुष्यों को भी खाता है और रोटी भी खाता है। अब है पाठ में बताया गया है कि जीव जंतुओं की निराली दुनिया किस प्रकार की है। तो हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। ये अपना भोजन अलग अलग तरीक़ों से ग्रहण करते हैं। जैसे तितली फूलों का रस चूसकर अपना भोजन ग्रहण करती है और अपनी सुरक्षा भी करते हैं। ये जीव जंतु अलग अलग तरीक़ों से पता लगाते हैं कि उनका भोजन कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुँच जाते हैं। जैसे चील है, चील की दृष्टि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वह दूर से अपने शिकार को देख लेती है और फिर उसके पास जाकर झपटा मारकर उसको ले लेती है। एक दिन गुड़िया, मुनिया व राजू अंधेरे में लुका छिपी खेल खेलते, लुका छुपी यानी छुपम छुपाई खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपया का सिक्का गिर जाता है। उसे सभी मिलकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेज़ी से उड़ते देखकर राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। तो मतलब इस पाठ में बताया है कि जब उसका 2 रुपये का सिक्का खो जाता है, नीचे गुम जाता है, तो वह अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो राजू है वह अंधेरे में चमगादड़ को एकदम आराम से इधर उधर उड़ते देखता है, तो उसे बहुत आश्चर्यजनक होता है कि हमें जब सिक्का अंधेरे में नहीं दिख रहा किंतु ये चमगादड़ आराम से इधर उधर उड़ रही है। तो वह चकित होकर मुनिया को ये बात बोलता है कि चमगादड़ की इतनी दृष्टि तेज होती है कि वह रात के समय में भी
अच्छे से उड़ सकती है, वह कहीं टकरा नहीं रही है। तो मुनिया बताती है कि मैंने भी इसको पुस्तकालय वाली किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज़ निकालती है तो सामने किसी वस्तु से टकराकर वह वापस उसके पास आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में आसानी से उड़ जाती है। मतलब इसमें चमगादड़ की विशेषता बताई गई है कि चमगादड़ में ऐसी कला होती है कि वह रात के समय में भी आराम से आकाश में और कमरों में उड़ती रहती है और उसे रात को अच्छे से दिखाई भी देता है। ऐसे ही जीव जंतुओं में है उल्लू, जिसको आउल इंग्लिश में बोलते हैं। यह रात के समय में ही उड़ता है और इधर उधर बैठता है और तर्कश ध्वनि निकालता है। फिर है बेट, बेट को चमगादड़ बोलते हैं। यह भी पेड़ों के उल्टा लटकी हुई रहती है दिन में तो, और रात के समय अपने पंखों को जो झिल्ली नुमा होते हैं उनको फैलाकर इधर उधर भोजन के तलाश में घूमती है। इसी पर है चिंटी की कहानी। अब चिंटी के बारे में इसमें वीडियोस में बताया जा रहा है कि एक अनु नाम की लड़की रहती है, वह चिंटियों को लाइन से रसोई घर में जाते हुए देखती है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी चीनी नीचे की ओर गिरी हुई रहती है। उस चीनी को देखकर वह बोलती है कि ये चिंटिया चीनी को लेकर कहाँ जा रही है। ये सवाल अपनी माताजी से कहती है। वह बोलती है कि माँ, ये चिंटिया चीनी कहाँ ले जा रही है। तो उसकी माँ उसे उत्तर देती है कि बेटा, ये चिंटिया इस चीनी को खाने के लिए अपने बिल में लेके जा रही है। फिर वह बोलती है, लेकिन माँ, ये सब लाइन से क्यों चल रही है, मतलब पंक्ति बनाकर क्यों चल रही है। तो उसकी माँ बोलती है, ताकि ये रास्ता ना भटक जाए, चलते चलते अपने पीछे एक गंध छोड़ती है, गंध छोड़ती है चली जाती है, तो ताकि पीछे आ रही चींटियाँ को पता चल जाए कि यही रास्ता है, यानी ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे उनको पता चल जाता है। ये तो बहुत अजीब है माँ, ये बात वह अनु बोलती है। तो ये जीव जंतु बड़े अजीब होते हैं, सभी जीवों की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे मधुमक्खी पौधों के फूलों को रस चूसकर शहद बनाती है, और जो हमारे घर में जो कीड़े हमारे जो द्वारा फैलाए हुए कूड़े को खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। आगे पाठ में बताया गया है कि मुनिया ने तो चमगादड़ के बारे में बताया था कि वह उच्च तारित्व की आवाज़ निकालती है तो सामने वह वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि उनके पास वापस आती है और वह अंधेरे में आसानी से उड़ जाती है। एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के साथ पड़ोस में जा रही थी। मुनिया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया, यानी जो मुनिया है वह अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी, जाते जाते क्या हुआ, चलने में कहीं वो टकरा गई और फिर टकराने से चोट आ गई, चोट आई उन्हें उसके लग गई। अब वह घबरा गई, फिर अपने भाई के साथ वह चलती रहती है। तभी पड़ोस के दरवाजे पर एक कुत्ता चेन से बंधा हुआ वह उसे देखकर भौंकने लगता है। मतलब मुनिया के एक तो वह पैरों में लगी हुई और फिर भी वो चल रही है, किंतु पास में एक कुत्ता जो बंधा हुआ था चेन से वह उसको देख के भौंकने लगता है। मुनिया घबरा जाती है तो वह बोलती है, राजू ने बताया कि कुत्ते को अनजान व्यक्तियों को देख कर भौंकते हैं। मतलब कुत्ते की आदत होती है, जब कोई दूसरा व्यक्ति बाहर का उसे दिखाई देता है तो वह उसे भोंक कर अपने मालिक को सूचना देता है कि देखो, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर में आ रहा है। इसीलिए तो उसे वफादार माना जाता है और इसी वजह से कुत्ते को अपने घर में रखा जाता है, क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है और इनकी नींद भी ऐसी कच्ची होती है कि हल्की सी आवाज़ सुनते ही यह पता लगा लेता है कि कोई हमारे घर में सदस्य प्रवेश किया है। इसलिए कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज मानी गई है और कुत्ते को इसी वजह से घर में पाला गया है। अब प्रश्न है, आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हैं? तो हम हींग को, कपूर को, फूलों को, फलों को तथा भोजन को हम सूंघ कर पहचान सकते हैं। प्रश्न आगे दूसरा दिया हुआ है, सघन खोजी अभियानों के प्रशिक्षित कुत्तों को उपयोग क्यों किया जाता है? सघन खोजी अभियानों में प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि कुत्तों के सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इन कुत्तों को हम रखते हैं जिसे सूंघकर पता लगा ले कि चोर कहाँ है।
चमगादड़ की तरह और कौन से जानवर रात में देख सकते हैं? चमगादड़ की तरह उल्लू, बिल्ली, लोमड़ी, जो कुत्ते रात में देख सकते हैं। इनके देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी रात में भी ये आराम से देख सकते हैं कि कौन से जीव कहाँ हैं और उनको वह अपना शिकार बनाए।